और मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कुछ भौगोलिक तथ्यों को याद रखने के लिए, कुछ भौगोलिक तथ्य या यूं कह लीजिए ऐसे बल्कि होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि उनको एक सीक्वेंस में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको याद रखने के लिए कोई ना कोई एक ट्रिक जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है कि किस प्रकार से उनको हम याद रख सकते हैं। और उसी सीरीज में कुछ भौगोलिक तथ्यों की यदि हम बात करें, जैसे हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार या फिर उनके आकार के क्रमानुसार, हमारे महाद्वीप है सात, उनको आकार के क्रमानुसार याद रखना हो, महासागरों को याद रखना हो, या फिर संसार के जो 10 बड़े जनसंख्या वाले देश है उनको उसके क्रम में याद रखना हो, और इसी के साथ यदि हमें याद रखना हो संसार के 10 ऐसे देश जो आकार के अनुसार, यानी 10 सबसे बड़े ज्यादा आकार वाले देशों को यदि उनके क्रम के अनुसार हमें याद रखना हो तो हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रिक्स जो है वो हमने डेवलप करी है, जिनको आज आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। और इससे पहले कि इन ट्रिक्स की हम शुरुआत करें, आपसे मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। इस डिस्कशन की शुरुआत यदि हम करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 ग्रह पाए जाते हैं उनको सूर्य से उनकी बढ़ती दूरी के अनुसार यदि क्रम में हमें याद रखना हो तो जो ट्रिक इसके लिए हमारे काम आती है वो ट्रिक है माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। आपको क्या याद रखना है? माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। इसमें पहला यदि हम बात करें एम यानी कि मरकरी, बुध ग्रह, फिर वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, फिर अर्थ यानी पृथ्वी, एम मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सैटुरन यानी शनि ग्रह, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण जो है, ये इनका सही क्रम बनता है सूर्य से बढ़ती इनकी दूरी के अनुसार, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटुरन, यूरेनस, नेपच्यून। और ट्रिक हमारी रहेगी माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। अगला, यदि हमें इनको इनके आकार के क्रमानुसार याद रखना हो, क्योंकि ये पहली ट्रिक है इनके दूरी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, लेकिन इनका आकार सभी का अलग अलग पाया जाता है, तो उसके अनुसार यदि हमें इनको याद रखना हो तो वो ट्रिक हमारे काम आएगी, वो आएगी जय शंकर यूज्ड नट्स फॉर एवरी विजिटर मीटिंग मी। क्या रहेगी? जय शंकर यूज्ड नट्स फॉर एवरी विजिटर मीटिंग मी। क्रम इनका रहेगा जुपिटर, सैटुरन, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र ग्रह, मंगल और बुध ग्रह। इस क्रम में जो है ये इनके बढ़ते घटते हुए आकार के क्रमानुसार जो है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। ट्रिक हमारी है जय शंकर यूज नट्स फॉर एवरी विजिटर मीटिंग में। इसके बाद जो हमारे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल पर, उनको यदि उनके क्रम के अनुसार हमें याद रखना हो, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप पहले और उसके बाद उनके घटते क्रम में यदि हमें याद रखना हो तो जो ट्रिक हमारे काम आती है वो आएगी एन एप्पल नट सेलर ऑलवेज आस्क इन इंग्लिश। एन एप्पल नट सेलर ऑलवेज आस्क इन इंग्लिश, यानी कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा आता है अंत में यूरोप महाद्वीप। तो याद कैसे रखेंगे? एन एप्पल नट सेलर ऑलवेज आस्क इन इंग्लिश। इसके बाद यदि 5 महासागरों को उनके क्रम के अनुसार हमें याद रखना हो तो जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी पापा ऑलवेज इनवाइट सोहा अली। पापा ऑलवेज इनवाइट सोहा अली, यानी कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 जो महासागर हैं उनको उनके आकार के क्रमानुसार यदि याद रखना हो
तो ट्रिक रहेगी पापा ऑलवेज इनवाइट सोहा अगली। इसके बाद यदि संसार के 10 वो देश जो जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है और उनको यदि हमें घटते क्रम में याद रखना हो तो थोड़ी सी अलग ट्रिक जो है वो इसके लिए रहेगी, और ये रहेगी CIAIP BNBRM, यानी चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। CIAIP BNBRM यानी कि चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे पाकिस्तान, छठे पे ब्राजील, सातवें पे नाइजीरिया, आठवें पे बांग्लादेश, नौवें पे रशिया और दसवें के ऊपर मेक्सिको। और इसी प्रकार से यदि जो देश है उन देशों को हमें उनके आकार के क्रमानुसार यदि याद रखना हो तो इसके लिए जो ट्रिक डेवलप होती है, 7 देशों को याद रखना हो तो आप कहेंगे राम कार कब आएगी इधर, और अगर 10 देशों को हमें याद रखना है तो हमारी ट्रिक रहेगी राम कार कब आएगी इधर, और जवाब आएगा जी आका। राम कार कब आएगी इधर और जवाब आएगा जी आका, यानी आराम, आर रशिया, सी कनाडा, ए अमेरिका, फिर से फिर चाइना, उसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, यानी 7 देशों का क्रम अगर याद रखना हो तो राम कार कब आएगी इधर, और 10ों का अगर याद रखना हो तो आपको आगे ऐड करना है राम का जवाब आएगा जी आका। जी आका में अगर हम यहां पर बात करें तो ए अर्जेंटीना, के कजाकिस्तान और के अल्जीरिया। तो 10 यदि देशों का क्रम हमें याद रखना हो तो हम कहेंगे राम कार कब आएगी इधर जी आका। तो इस प्रकार से ये कुछ 6 जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, जो भौगोलिक तथ्य हैं, उनको क्रमानुसार यदि हमें याद रखना हो तो ये कुछ ट्रिक जो है वो हमने विकसित करी है। उम्मीद है ये आपके लिए काफी काम आएंगी, और इनमें से कोई एक सवाल तो जो है वो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो आप कमेंट करके जो है वो हमें इसके बारे में जरूर बताइए, और आपकी अगर कोई और क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।